तो हेलो गाइस, माय रोल हियर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, अगर आप भी अपने फ़ोन पर यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से अगर यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा फीचर नहीं मिलते हैं और क्रोम पे बहुत ज़्यादा फीचर मिलते हैं, तो किस तरह से क्रोम पे अपने यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करें। गाइस, आप जब यूट्यूब स्टूडियो को क्रोम पे ओपन करते हैं तो ओपन नहीं हो पाता है। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप क्रोम पे अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको एक मोबाइल स्क्रीन शो होगा, तो यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग पहले ऑन कर लेता हूँ। गाइस, यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और यहाँ पर हमारे नेट ऑन है। तो गाइस, यहाँ पर हम पहले गूगल्स को ओपन कर लेते हैं। सॉरी गाइस, गूगल को नहीं ओपन करेंगे, मैं पहले क्रोम को ओपन करता हूँ। गाइस, क्रोम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू टैब ले लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा सकूँ। गाइस, यहाँ पर सर्च क्या करूँगा, youtube studio.com कुछ इस तरह से आप सर्च करिएगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर सर्च हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, कुछ इस तरह से हमारे सर्च हो गए हैं, बट यहाँ पर आप youtube studio.com क्लिक करिएगा तो ये ओपन नहीं होने वाला है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। गाइस, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या देखिएगा, YouTube मोनेटाइजेशन, आप इस पर क्लिक करिएगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपके YouTube स्टूडियो है बट यहाँ पर आपका क्रोम पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये किस तरह से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा ही। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा लोडिंग हो चुका है और यहाँ पर हमारा क्रोम पे YT स्टूडियो एप्लीकेशन, YT स्टूडियो क्रोम पे ओपन हो चुका है। मतलब इसे YouTube क्रिएटर स्टूडियो बोलते हैं। यहाँ पर जब मोनेटाइजेशन के नाम पे जब आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ से आप डैशबोर्ड वगैरह सारे चीज़ इसे मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके लिए अच्छी होनी चाहिए, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ से आप जिस चीज़ को भी चाहिए आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा चैनल है और ये हमारा YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे ओपन हो चुका है। इस तरह से YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे अपने चैनल को खोल सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपने एक बार किस तरह से एडिट किया जाता है, किस चैनल को किस तरह से चैनल को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस तरह से अपने चैनल को मैनेज किया है। यहाँ पर अच्छे खासे फीचर मिलते हैं। यूट्यूब को क्रोम पे, YT स्टूडियो को क्रोम पे खोलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं जो कि YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेआउट आप मैनेज कर सकते हैं, चैनल ब्रांडिंग मैनेज कर सकते हैं, बेसिक इन्फो यहाँ पर जैसे कि दे सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं, कस्टम URL दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, लिंक ऑफ बैनर दे सकते हैं, जो कि मैंने अपने बैनर पे, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ब्रांडिंग में जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं MyRoll Tech और यहाँ पर Instagram, YouTube, Facebook और Telegram जो है, ये जो बैनर पे हमारे जो चार सोशल मीडिया हैं इनके लिंक आप यहाँ पे बेसिक इन्फो में आके यहाँ पर 5 लिंक दे सकते हैं, लिंक्स ऑफ बैनर पे, लिंक ऑन बैनर पे। तो गाइस, इस तरह से अगर आप अपने, मैं आपको एक बार YouTube एप्लीकेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने चैनल पे एक बार जाता हूँ, योर चैनल। गाइस, जब मैंने योर चैनल पे ओपन किया तो यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ आपको। गाइस, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमारा चैनल लोड हो चुका है अच्छी तरह से। यहाँ पर गाइस, अगर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम है, इस पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट हमारे यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ओपन हो जाएगा। तो गाइस, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से बहुत सारे फीचर मिलते हैं। यहाँ से आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं जो कि विदाउट कॉपीराइट होते हैं, यहाँ पर अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के यूज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिक वगैरह आ गया। यहाँ पर और जूम करते हैं तो यहाँ पर हेल्प सेंटर मिलता है, ऊपर सेटिंग मिलता है। गाइस, यहाँ पर सेटिंग करिएगा तो यहाँ पर आप चैनल को मैनेज कर सकते हैं किस तरह से क्या करना है। यहाँ पर अपने चैनल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर सब दिखाया जाता है। एडवांस सेटिंग जो कि कीवर्ड है अपने चैनल पे सर्च में रैंक में लाने के लिए, यहाँ पर कीवर्ड दिए गए हैं। एडवांस सेटिंग में आइएगा तो यहाँ पर चैनल पे सब्सक्राइबर और काउंट हाइड जो भी करना होता है इसे कर सकते हैं। गाइस, इस तरह से अपने यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो को क्रोम पे ओपन कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा ट्रिक था मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ। वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, वंदे मातरम।